नमस्कार। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में फास्ट मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप। एक ऐसा शो जिसमें आपको इंटरडे बेसिस पे 20 ऐसे कॉल्स बताए जाते हैं जहां पे धमाकेदार रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, यानी कि इंटरडे बेसिस में कहां आपको ट्रेडिंग करनी है, कहां पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है, ऐसे सभी जो आइडियाज हैं वो आपको इस पूरे शो में शेयर किए जाते हैं। चलिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है तो बहुत सारे बड़े बदलाव की उम्मीद भी लगाई जा रही है और हमने भी कुछ बदलाव किए हैं 8 से 8:30 के बीच में, जहाँ पर आज आप नॉर्मल बातचीत 8 से 8:30 में देखेंगे, लेकिन 8:30 से आज हम बातचीत करेंगे सुपरफास्ट फ्यूचर में, जहाँ पर एक स्पेशल शो आपके लिए लाया जा रहा है। बाजार खुलने से पहले एफएनओ में आपकी रणनीति क्या हो, किन शेयरों पर आप दाव लगा सकते हैं, कहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एडिशन के साथ क्लोजिंग हुई है और उस एडिशन के बाद आज आपके लिए कहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है, फिर शॉर्ट कर सकते हैं, आप सुबह के ही सत्र में आपको बता दिया जाएगा। तो 8:30 से 9 हमारी खास पेशकश होगी, आप इसे देखना ना भूलिए। एक ही बार में एफएनओ के सभी जो आंकड़े होंगे वो आपको बता दिया जाएगा। शुरुआत आप कर सकते हैं बाजार की, और ना केवल इस पर वो शेयर जिनमें आप फ्यूचर्स में लॉन्ग और शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि ऑप्शंस में भी आप जान सकते हैं कौन सी कॉल और कौन सी पुट आपके लिए बेहतर रहेगी, स्पेशली इंट्राडे के लिए। तो इन सब पर आज हम बातचीत करेंगे 8:30 से लेकर 9 बजे के बीच में। सुमित, 12:30 तो हम ये शो करते हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स, इसमें हम दिन के दौरान एफएनओ में क्या होता है वो तो बातचीत करते हैं, लेकिन बीते दिन में क्या हुआ और पूरे दिन के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये आपको पहले से इस शो में बता दिया जाएगा। तो उस लिहाज से आप किस तरह से एफएनओ साइड में खेल सकते हैं वो आपको पूरा जो ब्यौरा है उसका 8:30 बजे दे दिया जाएगा। तो पूरे दिन के लिए आपकी जो एफएनओ स्ट्रैटेजी है वो 8:30 बजे आपको पहले बता दी विजिट करेंगे 12:30 बजे के दौरान भी। चलिए, अब शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम के फास्ट मनी की, और अलग अलग कॉल से पहले एक बार इंटरनेशनल मार्केट दिखाते हैं, क्योंकि मार्केट्स में मोर और लेस जो कामकाज है वो एक रेंज में है, अदर देन सेंसेक्स निफ्टी जहाँ पर गिरावट थोड़ी ज्यादा है, करीब 50 अंकों के आसपास गिरावट देखने को मिले, 9632 का लेवल है, 9650 के नीचे मार्केट से भी कामकाज कर रहा है, निफ्टी जो है वो कामकाज कर रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स में नजर डालें तो निकेई करीब 0.5% नीचे है, स्ट्रेट टाइम 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है, कोस्पी में रफली 1% के आसपास ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो मोर और लेस ये बाजार में मिला जुला ही कामकाज है। ताइवान, शंघाई और हैंगसेंग तीनों ही लाल निशान में है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। शंघाई मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव है, हैंगसेंग भी करीब 1.25% नीचे है, लेकिन ताइवान में 0.5% के आसपास ही गिरावट है। तो बाजार एशियन मार्केट्स में जो नेगेटिव बायस है वो ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, मोर लेस फ्लैट या फिर 0.5% के आसपास ही गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, इनफैक्ट यूके के जो इलेक्शंस का इंपैक्ट है वो एशियन मार्केट्स में या तो फिर सेंसेक्स निफ्टी में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी अगर आप देखें जो इंडियन मार्केट्स की बात है तो आज जीएसटी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जो कि पॉजिटिव साइड पे इंडियन मार्केट्स के लिए काम करेगा, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जीएसटी, आईपी, सीपीआई बहुत सारे ट्रिगर आज के लिए भी बाजार में है, लेकिन उससे पहले जो शुक्रवार का सेशन था उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला था पहले उसकी बात करते हैं, रिव्यू देख लेते हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस शुक्रवार के शेयर्स का था। विप्रो में बिकवाली की सलाह दी गई थी, यहाँ पे कमजोरी थी 0.2% के आसपास की, कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग हुआ। इसके अलावा सेंट गोबेन, उजास एनर्जी, पिडलाइट इंडस्ट्रीज, पेना इंडस्ट्रीज, इन सभी में खरीदारी करने की राय दी गई थी। सेंट गोबेन और पिडलाइट में दिखे करीब 5 से 6% के आसपास तक के जो गेंस हैं वो दिन के दौरान भी बनते हुए दिखे। इसके अलावा श्रेय इंफ्रा एक और ऐसी कॉलेज जिसमें करीब 5% के आसपास के रिटर्न बने, एनआरबी बेरिंग, नेटको फार्मा 4 से 6% के आसपास की तेजी थी, महिंद्रा हॉलीडेज और गैब्रियल इन दोनों को रजत ने चुना था और यहाँ पे भी दिन के दौरान टारगेट हिट किए इन्होंने और 1 से 2% के आसपास के अपकोम के साथ ही यहाँ पे जो तेजी है, जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली। तो ओवरऑल देखा जाए तो शुक्रवार का सेशन काफी अच्छा था, जहाँ पे कई सारी कॉल्स ने अपने जो टारगेट्स हैं उनको हिट करते हुए दिखा। लेकिन सुमित, आज की जो शुरुआत है क्योंकि संकेत थोड़े से खराब नजर आ रहे हैं, किस तरह की होगी और कितने बाय और सेल आइडियाज लेके आए हैं? मेरे पास इनफैक्ट सभी बाय हैं, एक भी सेल नहीं लेकर आया, लेकिन हाँ जैसे जैसे निफ्टी के आंकड़े देखने को लग रहा है, एक बार को लगा कि शायद सेल ले लेना चाहिए था, लेकिन अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक आंकड़े हैं, जीएसटी बड़ा ट्रिगर है, उसी हिसाब से ही चुने गए। और जो पहले दो कॉल हैं उनसे शुरुआत भी कर लेते हैं, राधा जो दोनों कॉल से पहले खरीदारी के लिए आपको बताई जा रही है। सबसे पहला नाम है केशवराम इंडस्ट्रीज, जिसके ऊपर आप दाम लगा सकते हैं। खरीदारी की वजह भी है, केमिकल शेयरों में सेलेक्टिव बाइंग देखने को मिली थी और इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो एक अच्छा वॉल्यूम बेस्ड बाइंग इसमें आई है। पिछले 3 दिनों शेयर में एक चाल है और जो चाल है ये वॉल्यूम के साथ है। शेयर 3% ऊपर बंद हुआ है शुक्रवार को, 153 रुपये के टारगेट से आप यहाँ पर देख सकते हैं, 146 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, 148 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा सी मरीन यानी सी मेक एक और नाम है जहाँ पर खरीदारी की राय दी जा रही है। शिपिंग शेयरों में बाल्टिक ड्राई इंडेक्स हालांकि नीचे आया है, लेकिन निचले स्तर से कुछ पुल बैक जिसका इंपैक्ट भी है, 5% के आसपास की बढ़त देखने को मिले सी मेक में। शेयर 52 वीक्स हाई पे कामकाज कर रहा है, एक अच्छी बाइंग्स पूरे स्पेस में है, आप दाव लगा सकते हैं। 139 रुपये का टारगेट रखे, 131 का स्टॉप लॉस, 133 134 शेयर का प्रीवियस डे का भाव।
जीएसटी एक बड़ा ट्रिगर आज इन मार्केट्स के लिए हो सकता है, तो उसके उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आईटीसी के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए सुमित, इंटरनेशनल क्यूज खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी जीएसटी में जिस तरह से 66 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जो दरें हैं पहले तय की गई थी उनको नीचे की ओर रिवाइज किया गया है। इंडस्ट्री की मांग रही है, इंडस्ट्री ने अपना जो प्रेजेंटेशन है वो सरकार के सामने रखा था, वित्त मंत्री ने और साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल ने, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इंडस्ट्री को हिट हो सकता है, कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए जो दरें हैं उन्हें कम किया गया है। आईटीसी एक ऐसी ही कंपनी है जिसकी दो मेन इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो जीएसटी की दरें जो हैं 18% घटाकर 12% की गई हैं। एक तो पैकेज फूड जहाँ पर इनका बड़ा कारोबार आता है, और दूसरा एक्सरसाइज बुक जो इनका पेपर सेगमेंट है वहाँ पर भी जो इम्पैक्ट है वो जीएसटी की दरों का साफ तौर पर देखने को मिलेगा। टोबैको के लिए ऑलरेडी हमने देखा था कि जीएसटी की जो दरें हैं उस कंपनी के लिए काफ़ी सपोर्टिव देखने को मिली थी, खासतौर पर जो सिंथ टैक्स और जो सेस लगाने की बात थी उसको लेकर काफ़ी बड़ी राहत आई थी, और अब पैकेज फूड्स और उसके साथ साथ एक्साइज बुक्स यहाँ पे जीएसटी की दर में 6% कमी आई है, वो आईटीसी जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। 300 का स्तर इसने पार किया है, ऑल टाइम हाईज के आसपास ही कारोबार कर रहा है, लेकिन जो दरें तय हुई हैं वो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आज शो करेंगी। 314 का टारगेट होगा आज के लिए, 303 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा एक और ऐसी कंपनी जिसके लिए जीएसटी की दरें काफ़ी पॉजिटिव हैं वो है बायोकॉन का शेयर। देखिए ये काउंटर अपने 52 वीक हाई से करीब करीब 15% डिस्काउंट पे ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, तो अच्छा खासा करेक्शन ऊपरी स्तरों से ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, लेकिन इंसुलिन जो कि इनका मेन प्रोडक्ट है, काफ़ी बड़ा रेवेन्यू शेयर वहाँ से आता है, उसके लिए जो जीएसटी की दर है 12% घटाकर 5% की गई है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके लिए लाइफ सेविंग ड्रग भी हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कदम लिया है, लेकिन कंपनी पर से अगर आप देखें तो काफ़ी बड़ी रिलीफ हो सकती है बायोकॉन के लिए। आज के लिए इस पॉजिटिव ट्रिगर के दम पे 1045 का टारगेट लेके खरीदारी करें, 1014 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इनफैक्ट ये शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में ना होता तो शायद मेरे पास होता। बायोकॉन एक बड़ा बेनिफिशियरी है, जिस तरह जीएसटी के रेट्स का बदलाव हुआ है उसके बाद साफ तौर पर से एक इम्पैक्ट आ सकता है, ना केवल बायोकॉन बल्कि आप सिंजिन पे भी मूव देख सकते हैं कि एक ऑलमोस्ट सेम तरह का ही ट्रेजेक्ट्री दोनों मेंटेन करते हैं, हो सकता है वहाँ पर कुछ मूव आता दिखाई पड़े, लेकिन जाहिर सी बात है बायोकॉन एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर आज रहेगा। अगले शेयर की तरफ जो मेरी तरफ से है वो है अंबुजा सीमेंट, जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी ने रिसेंटली दाम बढ़ाए हैं सीमेंट के, और सीमेंट के जो दाम बढ़ाए गए हैं पश्चिम बंगाल में बढ़ाए गए हैं, करीब 10 से लेकर 30 रुपये प्रति बोरी के आसपास की बढ़ोतरी की गई है, और मॉनसून से पहले अपने जो आगे गोइंग फॉरवर्ड वॉल्यूम श्रिंक होंगे उसको इंटैक्ट करने के लिए ये कदम उठाया गया है। 245 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 232 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 235 रुपये का पीवीएस का भाव। एडीए फूड्स एक और ऐसी कंपनी है जो कि पैकेज फूड्स के कारोबार में है। ये कंपनी अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे पैकेज फूड्स हैं जो कि कई सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, और 90% के आसपास की अगर आप देखें इनकी आय जो है वो एक्सपोर्ट से ही आती है, लेकिन जीएसटी में जैसे पैकेज फूड पर जो दर है 18% घटाकर 12%, उसमें पिकल्स चटनी जो कि ये कंपनी खासतौर पर एक्सपोर्ट करती है उसमें अगर आप देखें जो जीएसटी की दर 18% घटाकर 12% की गई है वो एक बहुत बड़ी राहत की बात है एडीए फूड्स के संदर्भ में देखा जाए तो। आज के लिए इस ट्रिगर के दम पे 309-310 जोन से आसानी से इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। आज के लिए 298 का स्टॉप लॉस रखें, एडीए फूड्स में भी आज के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। जी तो चलिए, तीन तीन शेयर आपको बताए जा चुके हैं, ईपीएस शेयर के वक्त होगा संदीप? बिल्कुल, चलिए ईपीएस शेयर भी बता दिया जाता है आपको कौन सा है आज के लिए एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर। शुरुआत मैं ही कर लूँ? बिल्कुल। तो मेरी तरफ से शुरुआत ईपीएस शेयर के लिए रहेगी, मैंने जो शेयर चुना है वो है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल का। कंपनी इस शेयर प्राइस पर अगर नजर डाला तो एक अच्छी तेजी इसमें देखने को मिली है, वीकली हाईज के आसपास शेयर क्लोज हुआ, 2.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक खरीदारी आ रही है, वॉल्यूम ड्रिवन मूव जो है ये शायद आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी पर्टिकुलरली अगर इस कंपनी वाले तो एक अच्छा डिविडेंड मेंटेन करती है, वैल्यू वाइज भी ठीक ठाक है, एक अच्छे वैल्यू पर भी है, आप खरीदारी कर सकते हैं। 309 रुपये के टारगेट्स के लिए 298 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 301-302 शेयर का पीवीएस का भाव है। TIL एक शेयर है जिसमें आज मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, जहाँ पर आज तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए सुमित, जो 66 प्रोडक्ट्स में जो कमी की गई है दरों में, जिनमें उसमें ट्रैक्टर उपकरण जो हैं उनके लिए जो जीएसटी की दर है 28% घटाकर 18% कर दी गई है। पहले भी ये जो दर है 18% ही थी, लेकिन जो जीएसटी में रेट्स तय किए गए थे वो 28% के तय किए गए थे, तो जाहिर सी बात है जिन लेवल्स पे ये कंपनी कामकाज कर रही थी टैक्स के संदर्भ में उन्हीं लेवल पे अगर इंडस्ट्री की मांग पे सरकार ने ये मूव लिया है, जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया है, तो जाहिर सी बात है इनके
लिए एक स्टेटस को और एक बहुत बड़ी रिलीफ हो सकती है। यही कारण है कि आप ट्रैक्टर स्पेस की कंपनी देखिए, चाहे M&M की बात कीजिए, स्कॉट्स की बात कीजिए या तो फिर TL की बात कीजिए, इन तीनों काउंटर्स में जो आज अप मूव है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। और TL जहाँ पे हाल फिलहाल ज़्यादा बड़ा मूव नहीं देखने को मिला है, वहाँ पर शायद इसकी जो तेज़ी है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर 18% जो कि पहले दर थी उस लिहाज से देखा जाए तो एक तो इनका जो वर्किंग कैपिटल है उसमें काफ़ी बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा, और टैक्स आउटगो अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है इनका जो मुनाफे का फिगर है वो भी जैसे एंटिसिपेटेड था कि वहाँ पे हिट देखने को मिलेगा, अब वो भी नहीं देखने को मिलेगा। तो उस लिहाज से TIL उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। आज के लिए 374 पहला टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें अगर आपको लेवल स्क्रीन पे दिखें, फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन 363 ये आपका जो स्टॉप लॉस है आज के लिए उसको लगाना ना भूलें। जो अगला शेयर है मेरी लिस्ट में वो है HCL टेक का, यहाँ पे भी आज खरीदारी देखने को मिल सकती है। देखिए IT में हाल फिलहाल हमने देखा कि लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली भी है। HCL टेक में आज के लिए जो पॉजिटिव ट्रिगर है वो दरअसल बायबैक का है। आज से इस कंपनी का बायबैक होने जा रहा है, 3,500 करोड़ रुपये का बायबैक है, जिसमें जो प्राइसिंग है वो 1,000 रुपये प्रति शेयर की तय की गई है। मौजूदा लेवल से देखें तो करीब करीब 140 रुपये के आसपास की अपसाइड है। बायबैक को लेकर मैं पॉजिटिव सुमित इसलिए हूँ, देखिए मुझे याद है TCS का जिस दिन बायबैक खोला था पिछले हफ्ते की बात है शायद, उस दिन उस शेयर में करीब 4% के आसपास का आपको मिला था, और जिस तरह की प्राइसिंग है 1,000 रुपये के आसपास की, अपने आप में कोई भी जो गिरावट है उसको थामने में काफ़ी बड़ा कारगर साबित होगी वो। तो 1,000 रुपये यहाँ से 140 रुपये ऊपर है, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि करीब करीब 900 रुपये तक के जो जोन्स हैं वो शायद आसानी से आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं इसका। चलिए, तो एक स्ट्रॉन्ग बाय HCL आपके लिए हो सकता है आज के लिए। और GST के ट्रिगर के आधार पर संदीप ने काफ़ी बड़े बड़े नाम जो हैं वो चुने हैं, तो आप उनको भी ध्यान में रखिएगा। अदर ट्रैक्टर स्पेस में आप स्कॉट्स ऐसी कंपनी में नजर रखिए जो कि लगातार तीसरी भी दिखा रहे हैं, तो TIL स्कॉट्स ऐसी कंपनी पे अगर आपका फोकस रहेगा। इस सेगमेंट का जो आखिरी शेयर मेरी तरफ से है वो है IG पेट्रो का। पेट्रोकेमिकल स्पेस के अंदर ये कंपनी काम काज करती है, वैसे भी शेयर के स्पेस के अंदर तेज़ी देखने को मिली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक 300 और 395 ये जो है क्रूशियल लेवल थे जहाँ पे इसने एक सपोर्ट ले रखा है, 410 के आसपास इसकी क्लोजिंग रही है। स्ट्रॉन्ग जो एक सपोर्ट है 395 के आसपास है, आप इस तेज़ी को राइड कर सकते हैं। 419 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 407 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 410-411 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। करीब करीब 5 शेयर आपको बताए गए हैं मेरी तरफ से और सभी शेयर खरीदारी के लिए हैं। शुरुआत की मैंने केशवराम इंडस्ट्रीज के साथ जहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है। 153 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, 146 का स्टॉप लॉस रखें। सी मरीन दूसरा नाम है, 139 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 131 से स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। अंबुजा सीमेंट करीब 245 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 232 से स्टॉप लॉस रखें। ईपे शेयर के तौर पर मैंने कार्बोरेंडम यूनिवर्सल को चुना है, 309 रुपये के टारगेट्स के लिए 298 का स्टॉप लॉस रखें। IG पेट्रो 419 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 407 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जाएगी। सभी शेयर मैंने भी आपको खरीदारी के बताए थे, शुरुआत मैंने दिग्गज ITC के साथ करी थी, इसके अलावा बायोकॉन, ADF फूड्स और बतौर EPS मैंने TIL यानी कि ट्रैक्टर्स इंडिया को उतारा था। इन चारों स्टॉक्स में अगर आप देखें तो GST का ट्रिगर है, जो GST की दरें हैं इन चारों इंडस्ट्रीज जिनमें ये ऑपरेट करते हैं उनके लिए जो दरें हैं वो कम की गई हैं। पैकेज फूड पर 18% से 12%, एक्साइज बुक्स पर भी 18% से 12%, इंसुलिन पर 12% से 5% जो कि बायोकॉन के लिए पॉजिटिव है, ADF फूड्स में भी 18% से 12%, और ट्रैक्टर्स में जो उपकरण लगते हैं उसमें 28% से घटाकर 18% दरें की गई, तो उसका जो पूरा पॉजिटिव इंपैक्ट है इन चारों काउंटर्स में देखने को मिलेगा। और आखिर में HCL टैक जहां पे आज बायबैक खुलेगा, 1,000 रुपये प्रति शेयर पर ये बायबैक होगा, उसका एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। 875 का टारगेट होगा आज के लिए, 853 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, तो आपको रणनीति बताई जा चुकी है, 10 का 10 शेयर अब तक खरीदारी के लिए ही आपको बताए गए हैं। लेकिन एक बार फिर से हम ब्रेक पे जाने से पहले आपको याद दिला दें कि आज 8:30 बजे हमारी खास पेशकश होगी। 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आप सुपरफास्ट फ्यूचर देख पाएंगे, जहां पर बाजार खुलने से ठीक पहले आपकी रणनीति क्या हो फ्यूचर मार्केट्स को लेकर, किन शेयरों को, किन किन फ्यूचर्स को आप लॉन्ग करें, शॉर्ट करें, या फिर किन कॉल और पुट में आप कामकाज कर सकते हैं आज के लिए इंट्राडे के लिए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे आज सुबह 8:30 से लेकर 9 बजे तक। खास पेशकश होगी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत करते हैं कुछ और शेयरों पर।